आवश्यक सेवाओं में आप हड़ताल लंबे समय तक नहीं कर सकते और सफाई व्यवस्था भी ऐसी तरह में आवश्यक सेवाओं में है, तो हड़ताल मेरे हिसाब से मैंने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि इस तरह की हड़ताल को स्वीकार नहीं किया। जो कर्मचारी है ठेका प्रथा वाले और सम्मति मुआवजा वाले, इनको केवल मात्र 4,000 रुपये वेतन दिया जा रहा हर महीने। हम 3-4 महीने से यहाँ से आ रहे, लिखा पढ़ी कर रहे, दे रहे हैं। मांग है ठेका प्रथा और स्थाई मोहल्ला संस्था समिति कर्मचारियों को संविदा कर्मचारी घोषित किया जाए, जिससे इनको वेतन इतना मिल सके, पूरा वेतन मिल सके, अपने घर का पालन पोषण अपने बच्चों का कर सकें। ये हमारी 3 माह से हम लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। हमने माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को भी इसके लिए ज्ञापन दिया था, नगर विकास मंत्री को भी इसके धन्यवाद। सभी नेता हूँ और हमारा ये आज दूसरा दिन है यहाँ पर धरने का। कोई हड़ताल हमारी नहीं है, महीनों से सालों से हम मांग करते आ रहे हैं, वार्ता करते आ रहे हैं अधिकारियों से। इन्होंने हमें आज तक आश्वासन दिए। सबसे पहली मांग इन सफाई कर्मचारियों की ये है कि हमें संविदा कर्मचारी घोषित किया जाए। और 15 साल से ये स्वच्छता समिति में कार्यरत हैं, ठेका प्रथा में कार्यरत हैं। 4,000 रुपये मात्र इन्हें वेतन दिया जा रहा है और ठेके वालों का 7,500 रुपये। आप देखिए कि 15 साल से 4,500 रुपये में क्या गुजर बसर हो जाएगी, क्या अपने बच्चों का पढ़ाई का कर लेंगे, क्या अपने बच्चों के खाने का कर लेंगे, क्या दवाई का कर लेंगे, कैसे गुजर होगी 4,000 रुपये में। तो हमने इनसे कई